नयन पीन। अब ये बड़ा समझने वाला विषय है, चौपाई पूरी सुन लीजिए बस। इसी चौपाई का नयन तीन, अब ये थोड़ा समझने वाला विषय है कि दो नेत्र तो समझ में आए, दो नेत्रों का वर्णन तो पुराण भी कर रहा है। कौन कौन? ज्ञान विराग नयन उरगारी। एक ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग्य का नेत्र है। तो ज्ञान का नेत्र किसको माना जाए? किसी की सुनी हुई, पढ़ी हुई, लिखी हुई, कही हुई बात को कहना, ये विद्या के दायरे में आता है। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति का नाम ज्ञान है। ज्ञान सुनी हुई, पढ़ी हुई बात नहीं मानता। ज्ञान का मतलब है अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का नाम ज्ञान है। तो भोले बाबा से माता पार्वती जी ने कहा, बाबा आपने पूरी रामायण हमको सुना दी, लेकिन मैं जानना चाहती हूं ये जो कुछ आपने सुनाया है, ये सुना हुआ, देखा हुआ, किसी से जाना हुआ आपने सुनाया है, लेकिन इस रामायण में आपका अनुभव क्या है? तो बाबा ने कहा, देवी उमा, अभी तक जो रामायण मैंने सुनाई वो सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई बात है, लेकिन इस पूरी रामायण में ये मेरा अनुभव है। क्या? उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। संसार जो है सपना है, परमात्मा अपना है, राम नाम सत्य है, सत हरि भजन ये मेरा अनुभव है। ये है ज्ञान का नेत्र। अच्छा, अब वैराग्य का नेत्र क्या है? वैराग्य का नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र हो गया बाबा का अनुभव, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, जब गुरु ने रिसर्च किया हो तो चेला पीछे क्यों रहेगा? तो काकभूषण जी से गरुण जी ने पूछा कि आपका अनुभव क्या है, तो काकभूषण जी ने कहा, गरुण जी निज अनुभव मैं कहाऊं खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटही कलेसा। पारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। तो ये ज्ञान का नेत्र है। अब वैराग्य का नेत्र क्या है? ये वैराग्य का नेत्र है। वैराग्य ये है, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते ही सती ही जाही तनु त्यागा, जब ते ही तब ते ही सिउ मन भयहु विराग, की बात है। तब ते शिवमन भयउ विरागा। अच्छा, तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान, विराग और एक और नेत्र है, उसका नाम है भक्ति। और भक्ति का नेत्र क्या है? तुम पुनी राम राम दीन राती, सादर जपे अनंग अनादि।